उसको मिटा सकता है कौन? बात उन दिनों की है जब आजादी की खुशबू अपने देश की हवा में फैल रही थी, जैसे ठंडी हवा का झोंका बहारों का पैगाम ला रहा हो। मगर उसी हवा के परों पर सवार चली आ रही थी कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं। परेशान थे दौलत और ताकत वाले, राजा, जागीरदार, जमींदार। आखिर जमींदारी की परंपरा सदियों पुरानी थी, ये परंपरा कहीं टूट गई तो पूरा निजाम उलट जाएगा। आंखों के सामने सदियों से चली आ रही खानदानी विरासत छिन गई तो गुस्सा भी आएगा और परेशानी भी होगी। उधर गरीब किसान इस चिंता में डूबा जा रहा था कि सदियों के अंधेरे में देखा हुआ उसका सपना आजादी की सुबह में भी सच होगा या नहीं। सपना जमीन के एक छोटे से टुकड़े का जो उसका अपना होगा। मगर सब परेशानियों और चिंताओं से बेगाना थे ठाकुर विक्रम सिंह और चौधरी सुमेर सिंह। विकी और सुमेर के लिए तो हवा हमेशा दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम लाती रही है और लाती रहेगी। एक दुनिया उनकी दोस्ती की कसम खाती थी, मगर इस बेमिसाल दोस्ती को भी बदलते हुए हालात का सामना करना होगा। आजादी की बहार इस शर्त पर आ रही थी कि देश के चमन का बंटवारा होगा, दिलों का बंटवारा होगा और शायद दोस्ती का बंटवारा। सुखचैन क्यों बेचैन हो रहा है? नमस्कार सरपंच जी। माल लेकर किधर को जा रहा है? थारो राज छोड़ के क्या जानो है? अरे राज लखिया दादा का कहा, राज तो बड़े ठाकुर को है। और मैं ये भी जानू कि ये माल भी बड़े ठाकुर को है जो तुम मंडी में जाके बेचोगे और पीसा खिस्सा में डालोगे, है ना? ना ना हुकुम, ये बात नहीं है। ये अनाज मारे खेत का है। अरे अरे अपने खेत कौन से? खेत तो सब ठाकुर को ही है और आधे से ज्यादा अनाज भी ठाकुर को ही है। सरपंच जी, अगर हम ठाकुर साहब को देखते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चों तो भूखो मर जाएंगे। हुकुम, तो बाल बच्चों का पेट चोली के माल से भरोगे? दया की भीख से तो चोरी ही अच्छी है। ये तुम जानो या तुम्हारी आत्मा? लखिया दादा जो आंख से देखेगा कहेगा जरूर। और अगर लखिया दादा ने कुछ देखे ही ना हो तो लखिया दादा आंख में पट्टी बांध लेगा क्या? काशी क्या भाया, लखिया दादा की आंख पे पट्टी बांध दे। अब क्या कहते हो लखिया दादा? अरे किससे बात कर रहे हो? लखिया दादा ने ना कुछ देखा ना सुना। चलो जी। चलो काशी। छुप जाओ, छुप जाओ, सब पहले छुप जाओ, दिल्ली नीचे आ जाओ। दूर से गाड़ी देख ली थी, वह कम वक्त हमने देख लेता तो सहमत आ गई थी। ठीक बोलो भाया, ये मजलो है ना? अरे वही देवन ठाकुर, कहने को तो ठाकुर का पूत है पर लेन देन में किसी कंजूस बाणिये से कम नहीं। विजो जी, जल्दी से मेरे कपड़े दो, मुझे पूजा के लिए जाना है। कपड़े तो कब से तैयार करके रखे हुए हैं और नहाने का पानी भी। पासाब ने आपका बहुत इंतजार किया, उनका कोई भी बेटा विजयदशमी की पूजा में उनके साथ नहीं गया, वो बहुत गुस्से में थे। क्यों, विक्रम भैया नहीं गए? वो शिकार से ही कब लौटे? युवराज जो है खेल ही तो खेलेंगे, काम काज के लिए हम जो ठहरे। और अब तो उनका छोटी जात का दोस्त सुमेर भी आ गया है। Stop!
राज्य हुकूम। हेलो इसे। अरे ये किस लिए हंस रही है इतना? ऐसे ही सोच आ गई कि विकी और सुमेर दो शेरों ने मिलकर मारा तो क्या मारा, एक जंगली सुअर। ब्लडी वेल। अरे सुमेर और विकी मिल जावे ना तो मौत को भी मार ले। बात बढ़िया की तूने, पर ये नहीं भूलना कि मौत हमेशा जिंदगी पर भारी है। और तू भी याद रखना विक्की, दोस्ती हमेशा मौत पे भारी पड़े। हाँ सुमेर, बात तो ठीक है, दोस्त मर जाते हैं दोस्ती नहीं। विके, एक को तो मार लिया। ये लोग कह रहे थे एक और भी है यहीं कहीं। चलो दूसरे साड़े को भी ढूंढते हैं। हाय हाय, तू कहां चल दिया? मन ने मेरा शिकार मिल गया विक्की। क्या? हाँ, तू नहीं सुधरेगा। मन ने कहा जी, ए जी, जी। दिद्दे फाड़ फाड़ करके देख रहा है जी। गुस्सा मत कहियो, मैं तन्ने को ना देख रहा हूँ, मैं तो ऊंटने देख रहा हूँ। कितना नसीब वाला है, कितना खूबसूरत बोझा ढोएगा। तू ढोएगा? अरे क्यों ना ढोएगा, तू बल्लेगी तो ढोएगा, जरूर ढोएगा। कब तक? हाय, जब तक तू बोलेगी ढोता ही रहूंगा, ढोता ही रहूंगा। जन्म जन्म तक? जन्म जन्म की बात कौन जाने, आज की बात करना। तो जा, रास्ता पकड़। मेरा रास्ता तो तेरे रास्ते के साथ साथ ही जावे है। देख, मैं तन्ने अच्छी तरह जानू हूँ, तू फौजी सुमेर सिंह है ना? अरे फौजी तो मैं दुश्मनों के वास्ते हूँ, अपनों के लिए तो मैं सुमेर हूँ, सुमेर सिंह। देख चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं अकेली कौन है, मारा भाई आता ही होगा। वो देख आ गया हमारा भाई। आपस की बात में भाई को डालने की क्या जरूरत है? चल भाई, यहाँ दाल गलने में टाइम लगे। कौन है तू? कौन है छोटे भाई, रास्ता पूछ रहा था। कौन है ये? सुमेर सिंह, अपनी बस्ती का। यार मेरे लड़की मन दी नजरिया में, शिकार समझ के लपक लिए थे। अरे कम्बक, जन्म जन्मांतर की बात करने लगी। मैंने कहा हाँ, मन ने कहा हर लड़की ऐसी बात करे, आज की बात करनी है कर। बोली जा जा, मैंने कहा तू भी जा जा, पर है अपने गांव खेड़े की छोड़ने वाला मैं भी नहीं। समीर सिंह है ना? अरे विकी, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? आज पूजा है और ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे मर गए। सुमेर, मैं तुझे पूजा के बाद मिलूंगा। हाँ, मैं चलता हूँ, चल चल जल्दी चल। पधारो, पूजा पूरी हो गई जी।
देवी माँ की पूजा करके आ रहे हो, अब जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। जी सरपंच जी आओ बैठो। देवन को बुलाओ। आओ देवन, सरपंच जी आए हैं। बैठो बैठो बैठो। और कहिए सरपंच जी, जयपुर होकर आए हो, क्या खबर है? खबर के होगी हुकुम, सब खादी टोपियां वाले कुर्सियां पर नजर लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी सरकार जाने की तैयारी में है। अंग्रेज जाएंगे तो हम जमींदारों और जागीरदारों को भी फर्क तो पड़ेगा। बासाब, मैंने सरपंच जी को इसलिए बुलाया था कि हमारी आमदनी गिरती जा रही है। सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही किसान अनाज चोरी करके सीमा पार बेच रहे हों? राम 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 राम, लखिया दादा के होते हुए किस साले की क्षमा हुकुम, किसकी मजाल के माई बाप की चोरी कर सके? अरे सरपंच जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर जानू हवा में आजादी का जहर फैल रहा है। जानू कुम जानू, पर लखिया के पास भी हर जहर का तोड़ेगा। मुनीम जी, हुकुम। सरपंच को दशहरे की मिठाई। हुकुम। कितना? 500। माई बाप, मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी। मुनीम जी, 100 और दे दो। हुकुम। जे हो बड़े ठाकुर की जे हो। हम सोच रहे हैं कि किसानों का सालाना इनाम भी दशहरे के मौके पर दे दिया जाए। उपज कम होने की खुशी में? देवन, एक तो पहले ही नुकसान हो रहा है और उस पर आप? हम फैसला कर चुके हैं। आप जाओ जाओ सरपंच जी। खमा गणी हुकुम। हुकुम खमा गणी। आपकी बात में बोलने की क्षमा चाहूं बा साहब, पर पांव की जूती को पांव में ही रहने दीजिए, सर पर मत चढ़ाइए। नहीं बेटे, ये किसान बरसों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें कितना मान देते हैं। और कल यही लोग हमारी आबरू लेने पर उतारू हो जाएंगे बासाब, छोटे लोग छोटे ही रहेंगे। सुमेर, तुम देवन के साथ बैठो, मैं बासाब को देखता हूं। ओहो, सुमेर सुमेर। नमस्कार ठाकुर साहब। कहो कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। जी जी नहीं ठाकुर साहब, फौजी आदमी ना जरा टेंशन रहने की आदत हो गई है। अरे वाह, फौजी जवान अब तो घर पे हो, एट ईज हो जाओ। चलो बैठ बैठ ना। विकी बेटे, आपका दोस्त बहुत समझदार है। अरे वाह, आखिर दोस्त किसका है बासाब। अभी कुछ रोज रुकोगे? जाना कहाँ है, डिसमिस। क्या मतलब? वो जी क्या है, जंग खत्म हो गया, फौज हमसे तंग आ गई, हम फौज से तंग आ गए। ब्लडी भैला, बस अपना गांव अपना यार। हाँ, घर जैसी कोई चीज नहीं है सुमेर, अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? जी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। ये तो सच है, लेकिन विकी का साथ रहा तो हो चुकी मेहनत। क्या क्या बात साहब, इसने अगर रोकने की कोशिश की ठाकुर साहब, तो पिट्ठू परेड करा दूंगा, वो भी डबल। माँ से मिले। आज्ञा हो तो दर्शन करो माँ जी के। हाँ हाँ जरूर, चल ले जा। क्षमा करना बा साहब, पर आप उस छोटी जात के आदमी को कहां बिठा रहे थे, हमारी बराबरी में या नीचे जमीन पर?
देवन, चौधरी सुमेर सिंह बहुत समझदार लड़का है। वो हमारी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हमारी बराबरी में बैठा नहीं, और जमीन पर बैठकर उसने अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। बहुत ही समझदार। सुमेर, अच्छे तो रहे ना? बिल्कुल प्रसन्न रहा जी मैं। चल चलें। कहाँ? कहाँ जा रही है जोड़ी? माँ, वो क्या है, इतने सालों से इसने पाठ-पाठ किया नहीं, बिगड़ गया है। इससे मैं गीता का प्रवचन सुनाने ले जा रहा हूँ। गीता का? गीता? अच्छा अच्छा, गीता का। माँ जी, कान तरस गए थे गीता का प्रवचन सुनने के लिए, और वहाँ आर्मी में गीता का प्रवचन सुनने को कहाँ मिलता है। आज जैसे ने कहा कि गीता का प्रवचन है, मैंने कहा चलेंगे, जरूर चलेंगे। मेरे ही चर्चे हैं।
हर हंसी के लब पर मेरे किस्से है। मन तरसाया है मैं जब भी नौकबा, मन तड़पाया है नाज़नी नौकबा, मन तड़पाया है नाज़नी नौकबा। मस्त होकर तुझे मस्त कर दो, ओ मस्त होकर तुझे मस्त कर दो, बिन पिए मैं बहकना सिखा दो। आजादी आ गई, अपनी सरकार अपने वास्ते कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अरे सरकार जब करेगी तब करेगी, अभी की बात करो ना। अरे मैं तो कहूँ ठाकरा को मालिया देना बंद कर दो। अरे पहले देख तो ले सरकार के करती है, थारो के बेचारो सरपंच। अरे मारो के बिचार होगा, मैं तो अपने भाइयों के साथ हूँ। बोलो भाइयों क्या करना है, जमींदार को लगान देना है कि नहीं? खामोश, ये क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है, किसी शरीफ आदमी को सोने भी नहीं देते। चले जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर निंदर इतनी प्यारी है तो मेला में जाके सो, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। क्या बोला? ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विकी, विकी तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। क्या बोला फिर से बोल। तू बावड़ा हो गया के? विक्की के गुस्से ना जाने, गोली मार देगा। तो अपना नहीं तो अपने घर वालों को तो ख्याल कर कुछ, जा घर जा अपने। अच्छा ठाकुर हम चले जाते हैं। रुक जा, ठीक है तुम अपनी मीटिंग कर लो, हम जा रहे हैं। देखो भाइयों मीटिंग वीटिंग तो कर लो तुम, लेकिन इसको जरा समझा के रखना। बावले हैं ये लोग, माथा कल दिन के पास है नहीं। इनको क्या मालूम तेरा दिल सोने का है, एक दिन सुसुरों को दिल निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, मन ने तो यूं लागे। चला आओ बेटी आओ, छोटी बहू रानी आई। खम्मा घनी बासा। जीती रहो बहू, ये लो जी हमारी तरफ से। कहना इसे पहन के अपने आप को आईने में देखा करूं? इसे पहनने से पहले ये खत पढ़ लेना। खत? ये आप ही के नाम है। हमारा बेटा पुलिस का बहुत ऊंचा अफसर बनकर
आपके पास आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्द। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सिंह, अगर हमारी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये अनाज हमारे इलाके से जा रहा है। तुम जाओ पता करो कि ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। अरे रुको, कहां जा रहे हो? यह आवाज किसका है और कहां ले जा रहे हो? जवाब दो। आ गया राजन। आओ आओ राजन, कैसे हो मेरे भाई? जीते रहो। शाबाश, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। आप तो आज सुबह आने वाले थे, देर कैसे हो गई? रुकना पड़ा बा साहब, कुछ किसान सीमा पार अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। ललकारने पे पता चला बा साहब, अनाज अपना ही है बा साहब। पर बाद में मुझे पता चला बा साहब के उनके साथ दो हथियारबंद डाकू भी थे। फिर क्या बात साहब, मेरे हाथ में भी तो बंदूक थी बात साहब। इसे क्या हुआ? कौन? लगता है मुठभेड़ में गोली से भी लगी है। जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ, इसे उठाकर अंदर ले चलो। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। मगर आप इस तरह मर्दाना बैठक में क्यों चली हैं? आ गई तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। पर्दे की मर्यादा प्यार और भावना से बढ़कर नहीं। चलो उठाओ इसे अंदर ले चले। भाइयों, ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद चल करके आपके बीच में पधारिया। आपसे दो बातें करेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे ही किसान हमारा ही अनाज चुरा कर बेच रहे हैं। जब हमारे छोटे भाई ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह ने चोरी पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो चोर खुद खड़ा हो कि अपना जुर्म कबूल कर ले, या फिर तुम लोग उसे हमारे हवाले कर दो, वरना पूरी बस्ती को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतनी सी चोरी हो गई ठाकुर, तो सारे किसानों की जान के दुश्मन हो गए। और जो पुश्तों से जमींदार इन किसानों को लूटते आ रहे हैं वो कुछ नहीं। नहीं।
छेड़ दिया ना मन्ने के मालूम किसने सत्ता हुक्म के मुंह में थूक दिया मैं ये सब न जानू कमीनी नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा पागल हो गए छोटे ठाकुर हमारे बाप दादा की शान में गुस्ताखी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते तो क्या जान से मार डालोगे बेचारे को कानून अपने हाथ में मत लो छोटे ठाकुर हुकुम वो किसान पकड़ा गया जिसने डीएसपी ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई थी बात की बात जात का कौन है छोटी जात का है हुकुम जाओ जाकर उसे तैयार करो मैं अभी आया की बात मैं तो एक छोटा मोटा पुलिस अफसर हूं नाम हनुमंत सिंह जात ठाकुर काम चोर और डाकुओं से सच बुलवाना तू सच बोलेगा ना हाँ। अनाज चुराया नहीं पुलिस अफसर ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई बता दे मैंने नहीं मालूम नहीं मालूम बात की बात बचपन में अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही तो खेला होगा तू तो हमेशा चोर ही बनता होगा शक्ल से ही चोर लगता है चोर की औलाद चोरी होवे मारे बापू के बारे में बोलने का तन्ने कोई हक नहीं मुझे हक की बात सिखाता है हरामजादे ये मेरा हक सिखाता है बात की बात तू तो हमारा मेहमान है और मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है संगीत सुनेगा शरीर की हड्डियां जब कड़कड़ करती हैं ना तो उसमें जो संगीत निकलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुझे भी अच्छा लगेगा ले सुन 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 मुझे मेरा हक सिखाता है हरामजादे हुकुम उस किसान ने दम तोड़ दिया बात की बात ये छोटे लोग संगीत बर्दाश्त नहीं कर सकते ठाकुर साहब कैसे हो हनुमान सिंह जी बात की बात हुकुम अगर आप मुझे ठाकुर हनुमान सिंह कहते तो और अच्छा लगता ओ तो आप पुलिस ऑफिसर से ज्यादा ठाकुर होने में फख्र समझते हैं बात की बात ठाकुर साहब बस ऐसा ही समझ लीजिए आइए बैठिए शुक्रिया अरे साहब के लिए चाय लाओ हनुमान सिंह जी
कांस्टेबल भर्ती होने के बाद आप इस ओहदे तक पहुंचे हैं, ये क्या कोई कम बड़ी बात है? आप तो मुझसे ओहदे में बड़े हैं। बात की बात, आपके गोली का जख्म कैसा है? ठीक है, पर हमने सुना है कि आपने जांच-ताज के दौरान उस किसान को जान से मार डाला। बात की बात, कीड़े मकोड़े तो मरते ही रहते हैं। आप इंसान के बच्चों को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं? आप कमाल करते हैं ठाकुर साहब, उसने आप पर हमला किया, ठाकुर राजेंद्र सिंह पर। हनुमान सिंह जी, हुकुम। अगर आप पुलिसमैन होने के नाते ये कहते कि एक पुलिस ऑफिसर पर वार किए जाने पे आपको गुस्सा आया तो हम ये बात समझ सकते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि हम एक ठाकुर हैं, बात बहुत ही घटिया लगती है। लेकिन ठाकुर साहब, छोड़िए, अब इस बहस में कुछ नहीं रखा, आप जाकर अपने चार संभालिए। हुकुम। ठंडी ठंडी रे, मार दिया। हाय, मक्की जिंदा, ये तो वो है। अरे मेरा माथा फोड़ दिया, कौन है ससुरी किधर? अरे कहाँ छुप रही है तू? अचानक पुलिस पे हमला किया तूने, मैं तन्ने ना छोड़ू, भाग पगडंडी पे भाग जा, पताल में छुप ले, मैं ना छोड़ू तन्नु, इधर आ तू जा। मैं तो तोता उड़ा रही थी। मेरा तोता बढ़िया उड़ाया तन्ने, मेरी आंख का डेला बच गया। माफ कर देना, मेरा तोता तो उसी दिन उड़ गया था जिन्ना, जिस दिन तन्ने मारे कन्ने प्यार से देखा था। ओए, तन्ने फिर अपना राग अड़ापना शुरू कर दिया, चल जा अपने राग पे। आ जिंदा, बड़ी गैरकानूनी बात की आज तन्ने, पुलिस वाले को पत्थर मारा है, 6 महीने की सजा करवा सकता हूँ मैं। बस 6 महीने? अरे कोई उम्र कैद वाली गुना बता, थारे लिए वो भी कर दूं। तेरा मतलब समझ गया मैं कोई ससन जज तो हूँ नहीं जो जिंदगी भर की सजा दिलवा दूं, छोटा मोटा पुलिस अफसर हूँ, 1-2 दिन के लिए अंदर कर सकता हूँ। जिंदा ने तो लंबी सजा चाहिए। अच्छा जी, कितनी लंबी? एक बात बता बहरूपिये, आज ये पुलिस की वजह? जिंदा मन ने सोचा बैठे बैठे हड़ हराम ना पड़ जावे, मन ने पुलिस की नौकरी कर ली। समझी, ठाकरा का छोटा छोरा अफसर है ना, उसी ने दिलाई होसी। हाँ, नौकरी तो उसी ने दिलवाई, उसने कहा दादा पुलिस को थारी जरूरत है, पुलिस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मन ने हाँ कर दी। सर हम नहीं आती दुश्मनों के यहाँ चाकरी करते हुए। इसमें दुश्मनी किस बात की हुई? उसी का भाई तो लाखन को मारने आया था। अरे ऊंच नीच तो हो ही जाती है, जहाँ दो बर्तन वहाँ टकराएंगे ही। अब देख, ये विक्की है ना, विक्की भी तो ठाकुरों का बेटा है, कितना प्यार करता है मुझे, जान दे सकता है मेरे लिए वो? अरे रहने दे, सांप का काटना नहीं भूलता, प्यार से दांत निकाले भी तो जा सकते हैं। अरे वारे तेरा प्यार, एक बार आजमा के तो देख ले। उमर कैद? उमर कैद? नेवर। तो ये ले। बड़ी जिद्दी है तू। तू कौन सा? मेरा डंडा ला इधर। कम है जिन्ना, एक बात का जवाब चाहिए आज मुझे, एक बार कह दे कि तू मुझे पसंद नहीं करती, काम कसम जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। क्या कहूं? ठीक है, मैं थारे को अच्छा नहीं लगता। बोल, अच्छा नहीं लगता मैं थारे को? बोल बोल। कैसे बोलेगी, मेरा नाम भी हुकुम। ये तो बेहोश हो गया, ले जा फेंक दे कोठड़ी में। हुकुम। कौन है ये? हुकुम, ये वो काशी चोर की लुगाई है। हाँ शायद यही कुछ बता दे, ले अंदर। चल मैंने। बात की बात, तो तू काशी चोर की लुगाई है। मारे धनी में चोर न कहो साहेब। अच्छा ठीक है, तो बता तूने चोरी का सोना कहाँ छुपाया है? कौन सा सोना साहेब? अरे तेरे धनी ने तेरे तन पे तो सजाया होगा। बता दे कहाँ है चोरी का सोना, अपने आप बताएगी या जबरदस्ती करूं? यही बताएगी या हवेली ले चलो? हनुमान सिंह, ये क्या बदतमीजी है? किसी गरीब की बहू बेटी को नंगा करने की तमीज से ये बदतमीजी अच्छी है? ये मत भूल के मैं तेरा अफसर हूँ,
अरे तू तो मामूली अफसर से, थारी जगह मेरा बापू किसी गरीब की आबरू पे हाथ डालता ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ता। सुमेर सिंह, आज तेरी सिखा दो। समीर सिंह, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं जनाब, वो हनुमान सिंह जी ने जरा फौजी दाव पे सिखा दिया था। हनुमान सिंह, सुमेर सिंह ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, हम ऐसे ही दाव पेच का खेल खेल रहे थे। करेक्ट है जी, करेक्ट है बिल्कुल। मैं नहीं चाहता था हम दोनों के बीच को तीसरा आए। याद रखना सुमेर, हनुमान सिंह कभी भूलता नहीं। याद आ जाए ना तो मन ने भी याद दिला देना, तमीज का जो सबक को अधूरा रह गया उसे पूरा कर दूंगा। राजन, ये रिवॉल्वर तो मुझे दे दो। दादा मुझे पता है तुम्हें बंदूकें बहुत पसंद हैं, लेकिन ये सरकारी माल है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। यार कभी तो हाँ बोल दिया करो, हर बात पे ना कह देते हो। रहने दे, तू भी कहाँ हाँ बोलता है। मैंने कब ना कहा है माँ? तो फिर मेरी एक बात मानेगा? हाँ हाँ। कल प्रतापगढ़ चला जा, मेरे भैया की बेटी रूप को साथ लेकर यहाँ आ जा। अरे वो रूप? हाँ। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ बड़ी हो गई है। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा, आप और कोई हुक्म कर दीजिए, लेकिन ये लड़की को लाना ले जाना। क्यों, लड़कियों से डरता है? लड़कियों से नहीं माँ, लड़कियों के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से डरते हैं हुजूर। इसलिए तो आज तक इसकी शादी नहीं हुई। माँ, शादी तो जिम्मेदारियों की लाइन पे एक आखिरी स्टेशन है माँ, अपने दादा तो बस कुवारा गढ़ पे अटक गए। आदमी कुवारा गढ़ पर नहीं, शादी गढ़ पे अटकता है। अच्छा ठीक है, तू मत जा, राजन तुम चले जाना। हाँ हाँ। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर रूप को लाने के लिए मैं सुमेर सिंह को भेज दूंगा। सुमेर? लड़की को लाने सुमेर जाएगा? कभी नहीं। दादा, पुलिस स्टेशन के बाहर आपके दोस्त होने के नाते वो हमारे बड़े हैं, पर पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े साहब हम हैं। हो सकता है वो तुम्हारा कहाना टाल सके, पर जब वो जिम्मेदारी के लिए हाँ कहेगा उस वक्त मैं उसका चेहरा जरूर देखूंगा। काम सुमेर सिंह चौधरी, काम छोकरी को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना, और इसकी वर्दी पहनकर पंगा ले लिया मैंने। मरवाने वाला तो विक्की है ना, सड़क कहीं पीछे से ना आ जाए। अरे अम्यूनिशन की पेटी बाहर निकालो, पता नहीं कितने हैं। डाकू डर गए। उन्हें पता चल गया कोई फौजी पुलिस में आ गया। अब विक्की के बच्चे, इतना खतरनाक ड्रामा खेलने की तुझे सूझी कहां से? जी मैं तो दूं एक रख के थोबड़े पे। दो घड़ी के लिए तो तूने मुझे सचमुच का डाकू मान लिया था ना? और दो घड़ी तो कहीं आवाज नहीं देता ना तो वहीं ढेर हो जाता। तो क्या होता, जिंदगी भर अपने दोस्त के लिए रोता रहता। हाँ रोता रहता, पर ये हरकत की क्यों तूने? तूने जिम्मेदारी का वादा तोड़कर जिम्मेदारी ले ली ना, और वो भी एक लड़की को ले आने की। मैंने सोचा चलो यार का तमाशा देखे। और अगर हम दोनों का तमाशा बन जाता तो दुनिया देखती। हाँ दुनिया देखती। अच्छा, कि चल, दो छह फुटे लंबे हो गए। अच्छा चल चल, जिम्मेदारी दिखा। थोड़े से घूंघट में देखा है, बड़ी सुंदर है तेरी जिम्मेदारी। सुंदर है? और वो रूपमवर जी, ये मेरा यार विक्की है, ठाकुर विक्रम सिंह। जानती हूँ, बुआ जी ठीक ही कहती थी। जी क्या कहती थी बुआ जी? कुछ खास नहीं, बस आपकी तारीफ करती रहती थी। ओ, तो हम तारीफ के काबिल हैं। हाँ जी। वो तो यही समझती हैं, और वो कुछ गलत नहीं समझती। और लुटेरे के रूप में देखकर आपका ख्याल क्या है? कहते हैं भगवान लुटेरा बनाए पर लुटेरे की सूरत ना दे। लेकिन हमने तो आज तक किसी को नहीं लूटा। ये आपका ख्याल है, जो लुट चुके हैं उनसे पूछना पड़ेगा।
जो लुट चुके हैं उनसे पूछना पड़ेगा। करेक्ट है जी। चलो भाई। सुनो, तुम आगे चलो, मैं बग्गी के साथ आता हूँ। मुझे लगता था तुम बग्गी के साथ ही आओगे। मुन्ने ठीक है, बग्गी के साथ ही आओ। जाओ जाओ। लड्डी वेल है, आज रात यहीं गुजार लेते हैं। आप अकेले खड़े हैं, आपके दोस्त कहाँ हैं? कौन सुमेर? वो फौजी आदमी है, रमशम पीके कहीं पड़ा होगा। आप भी तो पीते होंगे। पीता हूँ, मगर आज पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वैसे ही बहुत नशा है। कैसा नशा? हम आपसे क्यों बताएं? भूल हो गई जो आपसे पूछ लिया, मगर मेरा कसूर नहीं। कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलते हैं तो लगता है जैसे बरसों की मुलाकात हो। जी हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नजर चेहरे को छूकर पलटती है तो पहचानी नहीं जाती, और ये सब अचानक हो जाता है। जैसे फूलों पर चलते चलते अचानक कांटा चुभ गया हो, या फूलों में छिपे किसी कमबख्त ने डंक मार दिया हो, और दर्द इतना मीठा हो कि जी चाहे जिंदगी भर अच्छा ना हो। इसे राम बचाए, इसका जहर ना उतरे, रोगी सर पटक पटक मर जाए। हो
हो गई। हाँ हो ही गई दादा। अरे तू इतना परेशान क्यों है? अफसरी करने जा रहा है, मजदूरी थोड़ी करने जा रहा है। ये बात नहीं है दादा, दरअसल प्रिया को छोड़ के जा रहा हूं ना। अरे वाह, अभी सही है हालत? अभी तो घर से बाहर कदम रखा नहीं और उदासी शुरू हो गई। अरे दादा मैं कहां उदास हूं, प्रिया तो औरत है ना, और भगवान ने औरत को एक इतना बड़ा हथियार दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। उसकी आंखों में भरे हुए आंसू दादा। ये बातें किसे समझा रहे हो राजन, तुम जानो या मैं? दादा तो आजाद पंछी हैं, जिस हवा में चाहे उड़ें, जहां चाहे दाना चुग लें। ठीक कह रहे हैं आप, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बंधन, अकेली जान। अकेले क्यों, तुम दोनों मेरे नहीं हो क्या? ये सब कहने की बातें, हमसे ज्यादा सुमेर दादा प्यारे हैं। घोड़े दौड़ाने जाओ सुमेर साथ, शिकार खेलने जाओ सुमेर साथ, और जब खुद शिकार होने जाए फिर भी सुमेर दादा साथ। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं दादा नहीं, जहाँ सुमेर दादा हैं वहाँ हम कभी नहीं हो सकते। अरे बच्चे, यार तो सगे भाइयों से भी आगे होते हैं, और हम तो सगे भी नहीं। बदतमीज, जानते हो तुमने क्या कहा? मैं तो
मजाक कर रहा था दादा। जो बात तुम मजाक में कह रहे हो वो बात हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, हाथ उठ गया तुम पर। फोड़ गए के देखो कौन है ना। आ के करे मारो बालम भाग गया। तने लगन कर लिया के? अरे ओ नहीं, मारे मेमने का नाम बालम है। तभी से सीने से जूं चिपका के रख छोड़ा था। हा? क्यों जल गया? मैं क्यों जलूं? क्यों जलूं मैं? पर वो ये देख तेरे सारे कपड़े मैला कर गया वो। उससे तो कुछ मैला नहीं हुआ, थारी नजर पड़ेगी तो जरूर मैला हो जाएगा। अरे मेरी नजर की बात के करे है, मेरी नजर तो ऐसी है कि कच्ची कली पे पड़ जाए तो कली फूल हो जावे फूल। ओए, 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 ओए। अरे थारी नजर पेड़ पे पड़ जाए तो 15 साल तक फल को ना आए। पेड़ वेड़ की बात तो मैं को ना जानू, तन्ने में एक बार निहार के देख लू ना तो तन्ने फल भी आवे फ्रूट भी आवे। बात करता है कपड़ा ही देख तू, ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रहा है? ये तो मैं अपने साहब के साथ ड्यूटी पे जा रही हूँ। कितने दिन वास्ते? कोई 7-8 दिन तो लग ही जावे। 7-8 दिन? मेरे जाने से तू उदास लग रही है। थारे लिए तुम मारो कौन लगे? चल परदेसी वालम ड्यूटी पर। इतना तो बोल गई, तुम मारो कौन लगे? ठाकुर साहब ने बोलो लखिया दादा आए हैं, बहुत जरूरी काम है। अच्छा अभी बुलाता हूं। खमागड़ी हुकुम। इतनी रात गए सरपंच जी? बैठिए बैठिए, खैरियत तो है? माफ करना हुकुम जो रात में तकलीफ दी, पर खबर इतनी जरूरी थी कि सुबह का इंतजार ना कर सका, सीधा शहर से आ रहा हूं। क्या बात है, सफेद टोपियां वाला ने कुर्सी संभाल ली, नए नए कानून बना दिए, घोड़ा गधा सब बराबर। पहलियां क्या बुझा रहे हो सरपंच जी, कौन सा कानून पास कर दिया है? कुछ कहने से पहले जवान जल जाए, पर के बताऊं हुकुम, कानून बोल ले है जमींदारी खत्म। जमीन का मालिक वही होगो जो उस पर हल चलावे है, बीज बोवे है, फसल काटे है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून हम पर लागू नहीं हो सकता। कानून वही रहेगा जो सदियों से चला आ रहा है, एक राजा एक प्रजा, एक जमींदार एक रियाया। लखिया दादा कहा ना बोले हुकुम, पर ये जो नए नए राजा बने हैं ना, इन्हें कौन समझावे? ये तो कहें कि इतना इतना बीघा जमीन से ज्यादा कोई ना रख सके, और जिनके पास ज्यादा जमीन है वो रैयत को दे दे। वो नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। बा साहब हमने सब सोच लिया है। क्या मतलब, जरा हम भी तो सुने। मैं आपको बाद में बताऊंगा बा साहब। अरे सरपंच जी कौन से पराए हैं, अपने ही हैं, इनके सामने कह डालो। वकील साहब से कह के पिछले वर्षों के कागज खरीद लें, सब जमीन सगे संबंधियों के नाम करवा दें,
जब हमारे नाम ज्यादा रहेगी नहीं तो छोड़नी कौन सी पड़ेगी। विचार तो अच्छा है मगर अधिकारी मान जाएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात हुकुम। अधिकारी कौन है? पटवारी और कानून गो ने मैं संभाल ली सी और जिलाधीश ने आप। हाँ ठीक है ठीक है सरपंच जी ठीक है मगर रियाया बस्ती के किसान सरपंच क्या दवाई में डालने के काम आवेगा। हुकुम किसान तो पुश्तों से एक ही काम जाने है अंगूठा लगाने का। एक बार और लगाते सी। जाने कितने पुश्तों से हम और आप यहां मिलजुल कर एक कुनबे की तरह रहे हैं। मिलजुल कर मेहनत करते आए हैं मेहनत का फल खाते रहे हैं एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जमींदार किसान का बाप बेटे का नाता सदियों सदियों तक बना रहे। इसीलिए आज हम आप सबके बीच ये कागज लेकर आए हैं। आओ भाइयों आकर अपने अपने जमीन के कागजों पर दस्तखत करो या फिर अपना अंगूठा लगाओ। आओ भाइयों आओ। क्यों 200 बरस में भी पेट नहीं भरा अभी और लूटना बाकी है क्या? बक रहे हो तुम? वही जो तन्ने सुना ले जाओ अपने कागज और चले जाओ यहां से। कोई किसान अंगूठा नहीं लगाएगा। तुम अपनी बात करो सबकी तरफ से बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छा तो किसको बोलने का हक है? सिर्फ सरपंच को। बोलिए सरपंच जी। बोलो लखिया दादा क्या बोलते हो जरा हम लोग भी तो सुने। मैं तो जानू अंगूठा लगाने में ही फायदा है सबका। नहीं लगाओगे तो हो सकता है सरकार जमीने तुम्हारे नाम लिख दे पण जमीन लेकर क्या करोगे? हल कहां से लाओगे? बैल की जोड़ी कौन देगा? बीज कहां से आवेगा? फिर भीख मांगने निकलोगे? सरपंच जी आप इस बात की फिक्र ना करो हम किसान भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीना को अपने नाम करवा के रहेंगे। हम इन लुटेरों की चाकरी नहीं करेंगे। तुम लोग हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम हमें धमकी दे रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो हम खाली धमकी नहीं देते लाखन। और तुम भी अच्छी तरह जान लो कि कल का हाथ जोड़ने वाला किसान आज हाथ उठाना भी सीख गया है। तो भाइयों ले जाओ अपने कागज यहाँ से इनका कोई दस्तखत नहीं करेगा। देखते क्या हो मारो सारे को। मगरनी बासाब एक बात बताइए अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चों में फर्क नहीं होता? माना कि भाई और बहन के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं पर फिर अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं है ना?
इसे जवाब दीजिए बा साहब, कल को देवन या राजन के बच्चे होंगे तो उन्हें गोद में उठाकर मुझे वो खुशी नहीं होगी जो अपने बच्चों को गोद में लेकर होती है? कहिए ना बा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं, बोलिए ना। बा साहब, देवन के बच्चों को अब हम लोग कभी गोद में नहीं उठा पाएंगे बेटे, कभी नहीं। क्या मतलब? अचानक क्या हो गया, कैसे हुआ ये? किसने मारा मेरे देवन को? बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? कौन है मेरे भाई का हत्यारा? बताइए ना बा साहब। हमने कहा था ना बेटे, आजादी का जहर हवा में फैल रहा है, वही जहर हमारे कलेजे के टुकड़े को खा गया। आपका मतलब है कि बस्ती के किसान? अरे कमबख्तों ने मिलकर तेरे भाई को मारा। नहीं नहीं बेटे, अभी वक्त नहीं है। मैं जानता हूं तेरे सीने में गुस्सा है, वैसे ही मेरे दिल में भी बदले की भावना है, मगर अभी गुस्सा नहीं, अभी जिम्मेदारियां हैं। भाई के नाते कुछ रस्में हैं जो आपको पूरी करनी होंगी बेटे, नहीं तो आपके भाई की अर्थी नहीं उठ सकती बेटे जी। आप और आपकी रस्में, दुल्हन सजाना हो तो रस्में, और अब विधवा को? छोटी बहू से कहो कि बड़ी बहू को परिक्रमा करवाए। कुंवर जी से कहो कि बड़ी बहू की चूड़ियां तोड़े। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये रस्में तो आपको पूरी करनी ही होंगी बेटे। नहीं, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना फर्ज अदा करो बेटे। हाँ बेटे, थैंक यू।
जा रहे हो काले कपड़े पहनकर? आप क्या समझती हैं कि देवन का मातम सिर्फ उसकी विधवा मनाएगी? अब मेरी जिंदगी में सिर्फ काला अंधेरा है मां। देवन के हत्यारों का खून ही इस अंधेरे को दूर कर सकता है। नहीं विक्की, नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध। आज आप तो क्या स्वयं भवानी मां भी आ जाए तो विक्रम को नहीं रोक सकती। मेरी तरफ देख बेटा, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। कौन बेटा, किसका बेटा? आप मेरी मां नहीं है, मैं सौतेला हूं, सौतेला। भूल जाइए कि विक्रम भी कोई बेटा था, ना सगा ना सौतेला। विक्की, रुक जा। पागल क्यों हो रहे हैं? मैं पहले अंदर तो चल बताता हूं। गांव की औरतों ने मेरे कन्ने पत्थर क्यों फेंके? मैंने क्या किया है? इस वास्ते कि मर्द रहा कोणी। क्या कह रही है तू?
अरे बच्चों के बाप माओ के बेटे बहना के भाई कुछ मर गए, कुछ डर के जंगल में भाग गए। समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे साफ साफ बोल ये क्यों हुआ, कैसे हो गया? ठाकुर देवेंद्र सिंह को बस्ती के लोगों ने मिलकर मार दिया। वो तो मन ने मालूम है, बस जब तो वापस खून के बदले में सारी बस्ती की गलियां खून से लाल हो गईं। कौन था वो, किसने किया ये सब, किसने किया है? थारा जिगरी दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, जो भी हुआ बा साहब बहुत बुरा हुआ। बस्ती वालों ने तो ये गुनाह किया ही था, लेकिन विक्रम दादा को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मेरा इंतजार तो किया होता, चुन चुन के गुनाहगारों को ऐसी सजा देता कि याद रखते। बेटे ये झगड़ा खून और कानून के बीच में था, और विकी की रगों में दौड़ता हुआ ठाकुरों का खून जीत गया। मगर इसका अंजाम बा साहब, जो सर पर कफन बांधकर निकलते हैं बरखोदार, वो अंजाम नहीं सोचते। मगर मैं सोचने पे मजबूर हूं बा साहब। देवन और विक्रम दादा के भाई होने के साथ साथ मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं। जब मैंने ये वर्दी पहनी थी तो कानून का साथ कभी ना छोड़ने की कसम खाई थी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है बेटे, हमने आपको समझने में गलती की है। हमने सोचा था कि यह खबर सुनते ही आप पुलिस की वर्दी उतार फेंकेंगे और खानदान का चोला फिर से ओढ़ लेंगे। नहीं बा साहब, बा साहब मुझसे अपना प्यार न छीनिए। बा साहब मैं मजबूर हूं, मैं वाकई मजबूर हूं बा साहब। मजबूरी कैसी, अब तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। दोनों भाई चले गए, एक मौत की गोद में और दूसरा बनवास। अब तो देवर जी अपनी रानी के साथ मिलकर अकेले राज करेंगे। मैं जानती हूँ जिंदगी ने तुम्हारी आत्मा में जहर भर दिया है, पर विजू ये जहर इनकी जात पर क्यों लट रही हो? भगवान के लिए अपनी बहुओं को संभाल लीजिए। ठीक है, आप अपने कानून की रक्षा कीजिए, विक्रम सिंह और हम अपनी परंपरा निभाएंगे, पर हमारी दुआएं दोनों बेटों के साथ रहेंगी। पापू पापू मन्ने भूख लगी है, पापू मन्ने भूख लगी है। अरे ओ भागी, कोड़े बापू कहे, ये थारा बापू नहीं, थारा बापू मर गया, इसके जिगरी ने मार लिया उसे। चल गले मिलकर रोएंगे थारे बापू ने, माँ भी रोते रोते मर जाती और रास्ते पर भीख मांगना। चल जिन्ना, जिन्ना जिन्ना, ए जिन्ना, आ गया तुम। मैं जानती थी तो आएगा जरूर। कपड़े काढ़ा। ए बावली, क्या कर रही है तू? मन्ने और दुखी ना कर। क्यों? मन्ने और दुखी ना कर। क्यों? कुछ गलत बोला मन्ने? जिन्ना, जे काम करने आया है उसे पूरा नहीं करेगा। के बकरी है जिन्ना, के हो गया तन्ने? के हो गया है मन्ने, जिन्दा की जिद टूट गई। सुमेर जिंदा की चित पालने वाला कोई नहीं रहा, जिंदा का मान
मान रखने वाला भी कोई नहीं बचा। ऐसा मत बोल जिंदा, ऐसा मत बोल। हमारा भाई जो हमारे सर से दुपट्टा भी गिरता हुआ नहीं देख सकता था, नहीं रहा। मारा भाई थारे रास्ते का कांटा था ना, थारे जिगरी ने निकाल दिया वो कांटा। तू बावले हो गई है? सोच क्या रहा है, लूट ले मन ले ले हमारी इज्जत, कर ले अपने हवस पूरी। होश में चिन्ना, होश में आ, होश में आ, होश में आ जा। किसी बेसहारा ने लूटेगा तो ठाकरा ने और भी प्यारा लगेगा, थारा जिगरी थर में गले से लगा लेगा। मन लूट ले सुनर, हमारी इज्जत। मारी जिद को न टूटी जिन्ना, मारी जिद टूट गई, मैं आज ही तारे साथ लगन करूंगा। हाँ जिन्ना, हाँ। सरकार, मैंने आपको नहीं बचाना ठाकुर साहब, हुकुम माफी। पानी दे। हुकुम आप ही की चाकरी करता हूं हुकुम। कई बार मैंने आपके शिकार का बंदोबस्त किया है, लेकिन आपकी यह हालत देखकर मैं आपको पहचान नहीं पाया। विक्रम सिंह, थारी शोहरत थारे आगे आगे चाले है ठाकुर, मैं थारे बारे में सब सुन चुका हूं। इरादा क्या है? जानता हूं तन्ने मारी जरूरत है, क्योंकि इसके आगे बीहड़ है और बीहड़ में मारा राज चाले है। नहीं, इसके आगे बंदूक का राज है और बंदूक कोई भी चला सकता है। बहुत खूब। इसका मतलब है तन्ने मारी जरूरत है और मन्ने थारी, क्योंकि बंदूक ने गोली की जरूरत है और गोली ने खरीदार की। पुलिस थाने से जसवंत सिंह बोल रहा हूँ। विक्रम सिंह की कोई खबर? नहीं, कोई खबर नहीं।
नहीं ठीक है ओवर हुकुम कोई खबर नहीं रघुराम हुकुम देखो तुम सुमेर सिंह पर नजर रखना वो विक्रम सिंह से जरूर मिलेगा उसी के जरिए हमें उसका सुराग मिलेगा हुकुम जो भी है सुमेर सिंह के पीछे से ऐसे नहीं आना आपके दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं जी मिलना तो मैं भी चाहूंगा पर कहां आइए आइए मैं सर आइए चल देखा शक्ति सिंह मेरा दोस्त आ गया है मेरा सुमेर आ गया है अब हम दोनों के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती सुमेर और विकी विकी और सुमेर हम दोनों मौत को जीत लेंगे क्यों सुमेर जीत लेंगे ना अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं कुछ तो बोल मेरे दोस्त देवन की मौत का बहुत दुख हुआ मने हाँ देवन की मौत का अफसोस तेरे को नहीं होगा तो किसे होगा विक्रम दादा का प्यारा मगर सुमेर इस बात की तसल्ली है कि देवन की आत्मा को शांति होगी मैंने उसके हथियारों को चुन चुन के मार दिया चुन चुन के नहीं ठाकुर विक्रम सिंह अंधे होकर तू अंधा हो गया था तेरी बंदूक अंधी हो गई थी तेरी बंदूक की गोलियां अंधी हो गई थी जो ना किसी बहन के भाई को पहचान सकी और ना किसी मां के जाय को पहचान सकी तन्ने ना जाने कितने देवर मार दिए ना जाने कितने देवर मार दिए वो सब मारे लोग थे उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हमारी बस्ती में रहते थे हमारी जात वाले थे क्यों रे उनका अफसोस नहीं करेगा तू हैं? किनका अफसोस करता उन लोगों का जिन्होंने जंगली जानवरों की तरह अकेले देवन को मारा तू मेरे दिल की हालत नहीं समझता तो कौन समझेगा तू ही तो मेरे दिल के पास रहा है विश्वास कर मैंने तुझे बहुत तलाश किया तू मिल जाता तो मेरे जख्मों पर मरहम रख देता
पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। इस वक्त तेरे और मेरे बीच एक लाश पड़ी है, दोस्ती की। नहीं सुमेर, नहीं। दोस्त मरते हैं, दोस्ती नहीं मरती। दोस्त भी मर गया, दोस्ती भी मर गई, और लहू की उस नदी में बह गया सब कुछ जो तू मेरे गांव में बहा कर आया है। मेरी मोहब्बत मेरे दोस्त को जिंदा कर देगी, हमारी दोस्ती को फिर से जिंदा कर देगी। ये तेरी भूल है ठाकुर, मोहब्बत और नफरत के बीच एक नाजुक सी लकीर होती है जो जरा ऊंचा बोलने से टूट जाती है। अरे तू तो गोलियों की बुछाड़ करके आया है। अगर ऐसी बात होती तो सुमेर मुझसे मिलने नहीं आता। सुमेर आ भी नहीं, ये उसकी दोस्ती की चिता से राख उड़ करेगा। चौधरी, आज से सुमेर मर गया है, अब उसकी राख भी उड़कर नहीं आएगी। आमने सामने होंगे तो एक ठाकुर और एक चौधरी। तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। चौधरी सुमेर सिंह भी यही चाहता है कि हमारी दुश्मनी दोस्ती से किसी तरह कम ना हो। अपनी जात दिखा दी चौधरी, ले आए पुलिस, चलो। विक्रम सिंह कहाँ है? मालूम नहीं। विक्रम सिंह यहाँ आया था? हाँ। तुम उससे मिले? हाँ मिला था। तुमने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं बताऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। सुमेर सिंह, आज से तुम अपने आप को पुलिस फोर्स से बर्खास्त समझो। वापस पहुंचते ही तुम्हारे ऑर्डर्स तुम्हें मिल जाएंगे। Bloody well, thank you. इसलिए इस वर्दी से निजात दिलाने के लिए। देख लिया ठाकुर साहब, इतने विश्वास के काबिल हैं ये छोटे लोग। सरदार, कोई फौजी आ रहा है। सुमेर बेटा आओ, ये है कल्ला डाकू। इसे तो मैं अच्छी तरह जानू चाचा, पर ये मारे गांव में क्या कर रही है? बेटा, हम लोगों ने इन्हें बुलाया है गांव की जान माल की रक्षा के लिए। वाह चाचा वाह, बिल्ली ने दूध की रखवाली बिठाओगे, भेड़िए ने कहोगे कि भेड़ बकरी की देखभाल कर, शेर ने कहोगे कि गाय की रक्षा करे, ये कुत्ते सिर्फ लूटना जानते हैं, गांव की रक्षा करना ये क्या जाने? जवान संभाल सुमेर सिंह, हम थारे लोगों के कहने पे यहां आए हैं। आज इन गांव के बुजुर्गों के सदके तुम्हें जाने देता हूं, चला जाए यहां से। चाचा इससे कह दो चला जाए यहां से। कल्ला जी,
आप चले जाइए, सुमेर गांव का बच्चा है, हम इसकी बात भी तो नहीं टाल सकते। मैं तो जाऊं सुमेर, पण थारे को भी देखूंगा कब तक कानून का पल्लू पकड़े रखेगा। सुमेर बेटा, थारा खया तो कर दिया, पण गांव की रक्षा? चाचा, गांव की रक्षा हम खुद करेंगे, गांव वाले करेंगे। और गांव वालों एक बात सुन लो, जो डर गया सो मर गया। आज से हाथ जोड़ना बंद कर दो, हाथ उठाना शुरू करो, मैं तुम सबके साथ हूं। तू तो है सुमेर, पण समझो ठाकुर विक्रम सिंह सामने आ गया तो थारी दोस्ती मर चुकी है। मेरी दोस्ती मर गया है मेरे लिए विक्रम सिंह। एक के कह रिया सुमेर सिंह, ठाकुर साहब आइए, हनुमान सिंह जी आइए आइए, विराजिए। आप अच्छे तो हैं। जिसे आप याद करें ठाकुर साहब, वो अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा हो जाए। कहिए कैसे याद किया मुझे? हनुमान सिंह जी, खबर मिली है कि हमारे यहाँ के किसान तमाम अनाज चोरी करके ले गए और दूर पार की मंडी में बेचने गए हैं। अब उनकी हरकतों के लिए उन्हें वो सजा मिलनी चाहिए जो उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें, और वो काम हनुमान सिंह जी आप कर सकते हैं। मगर ठाकुर साहब, बात की बात, आप तो जानते हैं कि मेरे हाथ खुले नहीं, क्योंकि आपके कुंवर ठाकुर राजेंद्र सिंह मेरे अफसर हैं। हमने मंत्री जी से बात की है और आज कल में ही ऑर्डर आ जाएगा, फिर आपका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। अटेंशन, डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है, अब हम सब सालों को निकाल बाहर करेंगे और उनके घरों और खेतों पर कब्जा कर लेंगे। बस्ती वालों से चौकन्ने रहना, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। हनुमान सिंह जी, ये क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपने सुना। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। लगता है कि पुलिस फोर्स में आकर आप गलत पेशे में आ गए। हनुमान सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब, मेरा ख्याल है आपको अभी तक ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। कैसा ऑर्डर? एक नजर डाल लीजिए। मेरा तबादला हो गया, मगर क्यों? ठाकुर साहब, अब आपका चार्ज हनुमान सिंह लेंगे। Bullshit! खम्मा गणी बासा। बहू, आप भी जा रही हैं क्या? जी हाँ। देखिए, आप राजन की पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हैं, और इस घर की रौनक कम करने का आपको कोई अधिकार नहीं। ठीक, शायद इस घर की यही इच्छा है बा साहब कि हम यहां से चले जाएं। हम आपका मतलब नहीं समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो
तो मेरा तबादला ही क्यों होता? लगता है कि आपके कान भर दिए गए हैं। जी हाँ, सच्चाई से, इसलिए कि बादशाह के मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता। और सच्चाई ये भी है कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। आप भी विश्वास कीजिए बादशाह, अगर मैंने प्यार किया है तो आपके और मां के चरणों से, स्वर्गवासी देवन से और विक्रम दादा से। मगर अपनी वर्दी और अपनी ईमानदारी से ज्यादा नहीं। गुस्ताखी माफ बादशाह, आपको भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी आन प्यारी है। राजन, क्षमा चाहूंगा बादशाह, लेकिन सच कहने की भी शिक्षा आपने ही दी है। चलो। करो सबको और कब्जा कर लो घरों और खेतों पर। जाओ। हो जाओ। अरे मैं देख, लुट गए, बर्बाद हो गए। ये कैसो कानून है कि सारे गांव वाला ने घर से बाहर कर दियो। कुछ करो सरपंच जी, अब तो थारो यात्रा है। हुकुम, एक एक कहर कर दिया। तुम तो गांव के सरपंच हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ठाकुर का सारा अनाज चोरी करके बिकने गया है? कहां है वो गांव के बदमाश छोरे? दखिया दादा कहां ना बोले हुकुम, पर जानो जमीना का कानून भी तो पास हो गया। पर जमीनें उनके नाम तो नहीं हुई हुकुम, ये तुम्हें भी मालूम है। उस घर में एक औरत है जो निकलने से इनकार कर रही है और मारने दौड़ती है। हुकुम चल भाग, तू कौन है मैंने मारे घर से निकालने वाला? जाता है कि नहीं? हुँ? तो भाग जा यहाँ से। देखो कितने माँ का दूध पिया है जो मरने मारे मर्द के घर से निकालेगा। ए, कौन है तेरा खसम? ये सुमेर सिंह की औरत है हुकुम। दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी, मारे मारे का घर है। खोलती है कि नहीं? खोल दरवाजा। चोर की लुगाई होकर कानून पे हाथ उठाती है। मुंह संभाल के बात कर, किसको चोर बोला? उसी को जो चोरी का माल बेचने गया है। रोकड़ा लेकर आएगा तो गहने बनवाएगी ना, तो उसके कहां कहां पहनेगी जरा बता तो। मत मारिए थानेदार जी, मत मारिए। आप ही दिया फैसले। सुमेरा, वो हनुमान सिंह ने सब लोगों को घर से निकाल दिया। के? सब लोग रास्ते पे पड़े हैं। ए किसना जी, मैं अभी कभी गांव जा रही हूँ, अनाज बेच के जल्दी गांव पहुँचना और भीड़ में ख्याल रखना सबका। क्या हो गया सरपंच, ये सब क्या हुआ? सबका घर जायदाद खेत जप्त कर लिया, पूरी तरह निकाल दिया घर से। कौन था वो? अरे वही बागड़ बिल्ला ठाकुर हनुमंत सिंह।
पूरी फौज की फौज लेकर आ गया और तुम तमाशा देखते रहे। अरे मन ने तो बहुत हाथ पैर जोड़िया, पर वो तो मन ने भी खरी कोटी सुना गया। मन सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ू। सुमेर बेटा, हम तो लुट गए। सब ठीक हो जाएगा चाचा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदा कहाँ है? जिंदा मन ने नहीं देखा। कमली, जिंदा कहाँ है? मन्ने खबर कौन है? क्या कह रही हो तुम? जिन्ना सुमेर तू आ गया बेटा। मेरी जिन्ना कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी बेटा। वो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक ही है। तो फिर बीमार कौन है? बीमार कोई नहीं। मौसी तू कुछ छुपा रही है? मौसी तू कुछ छुपा रही है मुझसे? वो राक्षस सबको घर से निकाल दियो, बिटिया ने निकलने से इनकार कर दियो तो उसने बहुत मारा, बिटिया गिर गई और उसका पेट भी गिर गया। जिन्ना, जिन्ना। ना जिंदा, नहीं नहीं जिंदा, ना नहीं रोना जिंदा, ना जिंदा ना, मैंने सब सुन लिया जिंदा, मैं सब जानू, तू रो मत जिंदा। तू मैंने चुप करावे सुमेर, मैंने सजा दे, जे तारे मन में आवे मैंने सजा दे, मैं तारे गुनेगार हूँ। ना जिंदा, ना जिंदा, तू मारी गुनेगार नहीं रही, मारी गुनेगार तू नहीं, मारा गुनेगार कौन है? मैं जानू जिन्ना, मैं जानू उसे, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिन्ना, मैं उसे ना छोड़ू।
फिर दादा? रुक जाओ भाया, रुक जाओ। क्या बात है किसना, तेरा मुंह क्यों लटक गया? मैं तो तुम लोगों ने मंडी में छोड़ के आया था। और आज भी गया, पीसा ही मिल गया और लुट भी गया दादा। क्या कह रही है? थारा चहिता ठाकुर विक्रम सिंह मार भी गया और लूट का भी ले गया। लाखन और हरिया को हम लोग दफना कर आ रहे हैं और शामू जख्मी आने पे पीछे पड़ा है। विक्रम सिंह, अब मैं तने ना छोड़ू, अब मैं तने ना छोड़ू। अब तो जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है सुमेर बेटा, तुम्ही को करना है। चाचा, सुमेर बागी हो गया है, अब तो मेरे लिए गोली है और फांसी का फंदा है। तुम लोग भी सर पे कफन बांध लो, अब ठाकुर लोग और पुलिस की गोली का जवाब गोली से देंगे और लूट का जवाब लूट से। जिन लोगों ने अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है, जाकर बंदूकें उठा लो और हो लो मेरे साथ। सिंह चौधरी, मैं थारा ही रास्ता देख रहा था, उड़ा दी पुलिस चौकी। तो तन्ने खबर पहुंच गई कल्ला है। चौधरी, बस्ती से जब हवा आती है तो खबर लेकर आती है। तेरी जवान बड़ी काली है कल्ला। तन्ने एक दिन कहा था मैं कानून का पल्ला छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने कानून का पल्ला और आ गया भीड़ में। जवान काली कोनी चौधरी, जवान काली कोनी, यहाँ थोड़ी रोशनी है। जिस जवान के दिल में अपने लोगों का दर्द है, जो उसकी आत्मा की आवाज सुने, वो उस समाज में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर तू के जावे? अरे थारे और मारे बीच बहुत कुछ साझा है, धर्म कर्म जात। इब थारा और मारा गिरोह मिलके रहसी। सो तो ठीक है, पर सरदार कौन होसी? तू होसी, और कौन? अरे थारे जैसा फौजी जो हथियारों को खिलौना समझे और लड़ाई के दांव पे जा अच्छी तरह जाने, तू बड़ा समझदार है। खम्मा गनी हुकुम। कहो सूरज सिंह, क्या खबर है हमारे बच्चे की? वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें, जिन्होंने हाथों में हमने कभी चांदी का झुंझुना थमाया था, आज उन्हीं हाथों में एक बागी की बंदूक है। आपके आशीर्वाद से बंदूक भी उनके हाथ में खिलौना ही दिखती है ठाकुर साहब, और आज उसी खिलौने से खेलकर उन्होंने चोरी का माल वापस ले लिया है। ये क्या है? चोरी का अनाज बेचकर किसानों ने बहुत सा रुपया इकट्ठा किया था, ठाकुर साहब ने वापस छीन लिया। मार पिटाई भी हुई होगी? हुकुम, चोर चोरी का माल प्यार से वापस नहीं करता। अच्छा बाकी दीजिए, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जाओ, माँ जगदम्बे तुम्हारी रक्षा करे। खम्मा गनी हुकुम। ए छोरा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उधर जा। अरे कहा ना, उधर जा, दिखाई नहीं देता, अंधा है। तुम यहाँ, ये क्या तमाशा है? ये दर्द और जलन जाएगा तो बताऊंगी ना। खम्मा गनी हुकुम। ओ, तो इन्हें यहाँ लाने की हिमाकत तूने की है? इसमें मैं क्या कर सकता था ठाकुर साहब, इनकी जीत के आगे मैं मजबूर हो गया था, इनका हुक्म भी तो नहीं टाल सकता था। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। मैं तो समझा था कि इनाम मिलेगा। जी इनाम के बच्चे में देखा मालो, ठाकुर की ठकराइन भी आ गई।
वो कहाँ चल रही है? वो अपने कृष्णा के साथ जिंदा भाभी और गांव की दूसरी औरता भी आई है। चलो अच्छा में चल। सुनो, अब इस हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही तुम घर चली जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस रेगिस्तान में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने से दूर भेज दोगे? कहते हैं दूर रहकर प्यार बढ़ता है। उस दिल से पूछो जो दूर रहकर पल पल मरता है। रूप, क्या सोच रही है? चिन्ना, मैं तन्ने और सवारता ने सड़क तक छोड़ाऊंगा। सब गांव वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊं। क्या बकरी है तू? हैं? तने डर ना लगे। ये जंगल से, जहां सब जंगली से, ना जिंदगी की कीमत जाने, ना इज्जत की कीमत जाने। मने डर लगे। डर लगे हैं? तन्ने? चौधरी सुमेर सिंह ने? हाँ जिन्ना, तारे प्यार ने मन डरना सिखा दिया। विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दन दनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। ऐसे राही को भूल जाना ही अच्छा है। शहर है जिन्ना, इस शहर की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में एक दिन तेरे सुमेर को गुम हो जाना है। इससे पहले कि मैं इस अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं तेरी जीती जागती सांस लेती तस्वीर
अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुझे वापस जाना होगा जिन्ना, तुझे वापस जाना होगा। मुझसे नहीं ठाकुर साहब, ये अपने लाडले बेटे ठाकुर विक्रम सिंह से पूछिए, जिसने गरीबों के हक का पीसा छीनकर इस हवेली की तिजोरियां भर दी हैं। आज वही पीसा मैं वापस लेने आया हूं ठाकुर साहब, और वो पीसा मैं लेकर जाऊंगा ठाकुर। इस हवेली पर डाका डालने की तेरी जुरत कैसे हुई? इसे आप डाका कहते हैं ठाकुर साहब, उसे क्या कहेंगे जो आपके बाप दादा हम गरीब किसानों को पुश्त से लूटते आ रहे हैं। सुमेर सिंह, चिल्ला मत ठाकुर, चिल्लाना मुझे भी आवे। इसे पहले के हवेली में और खून खराबा हो, गरीब किसानों का पीसा लौटा दे ठाकुर। तो किस हवेली को लूटने आया है? उस हवेली जिसे तुझे अपने बच्चों को समान प्यार दिया है, जिसे तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। बड़े लोगों का प्यार प्यार नहीं होता ठाकुर, ये झूठा दिलासा है जैसे बहलाकर हम गरीब किसानों को सदियों से तुम लोग लूटते आ रहे हो। तिजोरी की चाबियां दे दे ठाकुर, दे दे चाबियां। नहीं, चाबियां किसी भी हालत में तुम्हें नहीं मिल सकती। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ो और लूट लो हवेली। चलो सुनो, किसी ने हवेली की औरता की तरफ आंख उठाकर देखा तो इन हाथों से आंख लोच लूंगा। ठाकुर, गजब हो गया ठाकुर। क्या हुआ? सुमेर सिंह ने कल्ला के गिरोह के साथ मिलकर ठाकुरों की सभी हवेलियां लूट ली, और आपकी भी।
घर में तो सब ठीक है ना? भगवान की दया रही ठाकुर, पर हवेली तो लुट गई। कमबख्त ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, कमीने ने उस हवेली पे हमला किया जहां उसे सिवाय प्रेम के कुछ मिला ही नहीं। प्यार और दुश्मनी में एक ही कदम का फासला होवे ठाकुर। तुम ठीक कहते हो, ठाकुर विक्रम सिंह ने आज फासला तय कर लिया है। सुमेर, उस दिन दोस्ती की राख नहीं उड़ी थी, अब उड़ेगी। तेरी बस्ती की राख बनकर, तेरी राख बनकर। हनुमंत सिंह जी, उस कमबख्त ने पुलिस थाना जला दिया, हमारी हवेली लूट ली, और आप पुलिस वाले आराम से बैठे। अफसोस, सद अफसोस। आराम से कौन बैठा है ठाकुर साहब? जब से उसने हवेली पर हमला किया है, मैं एक पल भी चैन की नींद नहीं सोया, लेकिन लगता है कि अब चैन की नींद आ जाएगी। खबर मिली है कि सुमेर की औरत उसके पास रहकर वापस आई है, और बात की बात, इस बार फिर उसके पेट में सुमेर का बच्चा है। वाह वाह वाह, हनुमान सिंह जी, ये बात हुई ना। ए, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। खोलती है कि नहीं? नहीं खोलूंगी। चला जा, चला जा। खोल दरवाजा, खोल। सुना है कि डाकू की औरत डाकू से मिलके आई है, हम्म? बात की बात, कोई निशानी तो लाई होगी, जरा देखें। फिर कब जा रही है अपने खसम से मिलने? या वो आ रहा है यहाँ? जवाब दे, बोलती क्यों नहीं? ऐसे नहीं बोलेगी। खबरदार जो इस पर हाथ उठाया। हा? तुम आप यहाँ क्यों? यहाँ आने के लिए पुलिस की वर्दी जरूरी है क्या? देखिए, मैं सुमेर सिंह बागी की औरत से पूछताछ करने आया हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। चली जाऊं ताकि अब जिंदा पर फिर वही जुल्म कर सके जो पिछली बार किया था? फिर उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले ही मार देंगे क्या? आप हद से बढ़ रही हैं। बात की बात, आप मेरे सब्र को मत आजमाइए। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आपने जिन्ना पर फिर वही जुल्म करना चाहा, तो उसके बच्चे के साथ साथ आपके चहेते ठाकुरों की नस्ल का खून भी बहेगा। ठाकुर विक्रम सिंह की होने वाली औलाद को मैं अपने हाथों खत्म कर दूंगी। फिर आप निपटते रहिएगा विक्रम सिंह से, बड़े ठाकुर साहब से और मेरे पिता से। भगवान की सौगंध, पूरे राजस्थान में छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अरे ठाकुर साहब, आप कहिए कैसे आना हुआ? लगता है आपको ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। जी, वरना इतने आराम से आप नहीं बैठे होते। बात की बात, आप कहना क्या चाहते हैं? एक नजर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। आप फिर से इंचार्ज होके आ गए। आपने अपने चार्ज में जो कांटे बोए हैं, उनका फल काटने के लिए आया हूं।
देखिए, इस तरीके से बोलने का आपको कोई हक नहीं। मुझे क्या हक है या क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस चौकी जल गई, असला खाना लूट गया, ठाकुरों की हवेलियां लूट गईं। क्या किया आपने हनुमान सिंह जी, ये बताइए कि विक्रम सिंह की कोई खबर मिली या नहीं? जी नहीं। आपने कोशिश भी नहीं की होगी, मैं बताता हूं आपको। राम सिंह, हुकुम। सुमेर सिंह के गांव पर कड़ी नजर रखो, विक्रम सिंह वहां जरूर हमला करेगा। हुकुम। किसी से खबर मिली? हनुमान सिंह जी, पुलिस ऑफिसर अगर कभी कभी अपनी अकल से काम ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। सुमेर सिंह ने हवेलियां लूटी हैं, जाहिर सी बात है विक्रम सिंह गांव जरूर लूटेगा। कौन हो भाया? कौन आ गया इतनी रात में? कौन हो? शक्ति सिंह बागी का नाम तो सुना होगा तन्ने। के चाहो, ले जाओ जो चाहो। लखिया दादा कहा ना बोले, ये लो, ये लो, लो। डरो नहीं, आज शक्ति सिंह लूटने नहीं, सौदा करने आया है। आ जा कन्ने। सौदा? खुलासा बात करो हुकुम, के पेश करूं? सिर्फ 1,00,000 लखिया। तने धोखा तो नहीं हुआ हमारे नाम का? नाम वास्ते लखिया हूं, पल्ले कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन ले लखिया, जितना बन सके तू और थारा गांव मिल के देगा, बदले में मैं थारे गांव को बचाऊंगा ठाकर विक्रम सिंह से। पर सुना है वो तो थारा साथी है। उसकी फिगर तू मत कर, शक्ति सिंह बागी बना है सिर्फ पीसा के लिए, किसी की मोहब्बत में नहीं। समझा? थे भी मारो ही साथी लागो। पीसा तो मैं जमा कर देंगा, पर मने की देसो खबर ठाकर विक्रम सिंह कब कहां और कैसे हमला करेगा मैं तन्ने बताऊंगा और तू पुलिस ने। चलाना।
गांव की क्या खबर है रे? सब लोग ठीक तो है ना? नमस्कार दादा। क्या खबर लाया है? खबर चौकी कोनी दादा, उस कमीने ने बस्तीवाड़ा का जीना हराम कर रखा है। किस कमीने ने? उसी ने, हनुमान सिंह ने। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है तू? हनुमान सिंह जिंदा है क्या? हाँ दादा, वो जिंदा है। और सुना है वो भाभी के घर भी गया था, उसको डर धमका कर आया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उस कुत्ते को कोतवाली में खत्म कर चुका था। मैंने बस्ती जाना होगा, मैंने कल सुबह ही बस्ती जाना होगा। कृष्णा, बस्ती जाने की तैयारी करो। अब समय आ गया है ठाकरा से पीछा हटने का। हुकुम, डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है। ओ, तो ठाकुर साहब आ गए? जी, और उन्होंने साथ साथ सज्जन सिंह, मान सिंह और भीम सिंह को भी बुलाया है। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? हुकुम, मैं वहां मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर साहब आइए। कब तशरीफ लाए आप? ठाकुर विक्रम सिंह का कोई सुराग मिला? जी नहीं, बागी विक्रम सिंह का कोई पता नहीं चला। हाँ, सुमेर के एक साथी कल्ला डाकू ने कीमत लेके हमें यह खबर बेची है कि सुमेर अपने साथियों के साथ बस्ती की तरफ रवाना होने वाला है, लेकिन हम उसे पहले ही रोक लेंगे क्योंकि कल्ला ने हमें उसके पड़ाव का पता भी बता दिया है। बात की बात ठाकुर साहब, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि सुमेर सिंह बस्ती में क्यों आ रहा है? जी, आप पूछेंगे भी नहीं क्योंकि कारण तो आप जानते हैं, और कारण है सुमेर की बीवी जिंदा और उसकी कोख में पल रहा बच्चा। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। सुमेर आपकी मौत बनकर आ रहा है? जी। हमारे ट्रांसफर होते ही आप इन सिपाहियों के साथ जिंदा के घर गए थे? जी हाँ, बागी सुमेर की औरत से पूछताछ करने के लिए। और पूछताछ उस गरीब औरत की कोप में पलते हुए बच्चे को मार डालने की कोशिश से होती है? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि उस वक्त वहां रूप भाभी मौजूद थी। हम ये भी जान गए कि ये शर्मनाक हरकत आप पहले भी कर चुके हैं। अनजाए बच्चे के कत्ल का चश्मदीद गवाह हमारे पास है। बात की बात ठाकुर साहब, आखिर ये हाँ हनुमान सिंह, यही कहना चाहते हो कि कीड़े मकौड़े ही है ना? आपके इस घटिया विचार ने ना सिर्फ बस्ती वालों को घर से बेघर किया बल्कि सुमेर जैसे जिम्मेदार पुलिस वाले को बागी होने पर मजबूर किया। हमने आपकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजने का फैसला किया है, और यह हमारी पूरी कोशिश होगी हनुमान सिंह जी कि आप और आपके ये तमाम साथी पुलिस फोर्स से डिसमिस कर दिए जाएं और बाकी की जिंदगी आप काल कोठरी में बिताएं। वो तो बात की बात है ठाकुर साहब, फिलहाल बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। अब आप जाकर तैयारी कीजिए, हम बागी सुमेर सिंह को घेरने जाएंगे। उसका ग्रोह बहुत बड़ा है, हमें ज्यादा से ज्यादा बंदूकें और पुलिस फोर्स की जरूरत है, इसलिए हनुमान सिंह जी आप जैसे घटिया ऑफिसर भी हमारे साथ चलेंगे। हुकुम, अब हमारा क्या होगा? सुमेर को घेरने की बात तो है ही, बात की बात इसी गड़बड़ में कोई हादसा भी तो हो सकता है, किसी की गोली का निशाना कोई गलत आदमी भी तो हो सकता है। आपका मतलब है ठाकुर राजेंद्र सिंह? इससे पहले कि वो हमें हटाए, हम उसे हटा देंगे। भवानी सिंह, तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आओ
गश्त पर चले। बात की बात, तुझ में ठाकुरों का खून नहीं है, तेरे खून में जरूर कुछ खोट है। हे राम, अरे ये बात है क्यों भैया? अरे इस बेचारे पुलिस वाले को तो किसी ने गोली मार दी। मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो रही है ठाकुर राजेंद्र सिंह की जात कतरे में। ठाकुर विक्रम सिंह से जाके कहो कि अनुमंत सिंह। जानता हूं कि तू गांव जाना चाहता है, मगर मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह, तेरा मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, फिर चुकता हो जाएगा। आज मैं जल्दी में हूं मारे राशि से, और आज ही मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ठाकुर, बरसाती नदी को रोक सकेगा? इस तूफान को रोकने की ताकत है तुझमें? गुस्से का तूफान तो ठाकुर विक्रम सिंह है सुमेर, हाँ बरसाती नदी को कभी नहीं रोका, आज रोकने का इरादा है। मेरे रास्ते से हट जा ठाकुर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और तुझे जाने दिया तब भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज गांव में तेरी जान को खतरा है। इतनी फिक्र ठाकुर, कब से? जब से पता चला है कि तेरी जान के साथ एक और जान को खतरा है, और वो है मेरे भाई राजन की जान। किसकी जान का वास्ता दे रहा है? ठाकुर राजेंद्र सिंह की जान का, जो एक पुलिस अफसर है और मारे खून का प्यासा है। पुलिस ऑफिसर राजेंद्र सिंह तो मेरी जान का भी दुश्मन है, मगर वो मेरे बाप का बेटा है, मेरा छोटा भाई है, और उसकी जान की खातिर मैं किसी भी नदी और तूफान को रोक सकता हूं। ठाकुर विक्रम सिंह, चिंदा मेरी बीवी है और उसकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, आज उनकी जान को भी खतरा है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे अच्छी तरह जानकर भी तूने यह कैसे मान लिया कि मैं तुझे यूं ही जाने दूंगा? आज या तो मैं अपने भाई की शक्ल देखूंगा या तू अपनी बीवी की। सोच ले, एक बार तुमने कहा था तेरी जान पे मेरा हक है और मेरी जान पे तेरा। याद है, पर उस वक्त एक दूसरे के लिए जान देने की बात थी, और आज जान लेने की बात आ गई है। और उस वक्त मैंने यह भी कहा था कि तेरे और मेरे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। आज भी कोई तीसरा नहीं होगा ठाकुर विक्रम सिंह, ये साली बंदूक में नहीं।
जाऊं मैं। जिन्ना तू समझ गया, हट जा जिन्ना। खबरदार अगर तूने विक्रम पर अब हाथ उठाया तो मैंने छोड़ दे जिन्ना। मैंने तारे होने वाले बच्चे की सौगंध। जिन्ना तू के जाने है, जिस बच्चे की तने सौगंध दे रही हूँ वो भी पहले की तरह अब भी पैदा होने से पहले ही मर गया होता अगर रूप कंवर ने मुझे उस राक्षस हनुमान सिंह से ना बचा लिया होता। मैं ठाकुरों की आन को ठोकर मारकर बस्ती में गई थी आपके दुश्मन के घर ताकि उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले बचा सकूं। और कुछ सुनेगा कल्ला, जिसे तू अपना जिगरी मानता था उसने ठाकरा से पैसा लेकर बेच दिया, तन्ने सारी खबर दे दी और वो कुत्ता हनुमंत सिंह मेरा सुहाग लूटने की पूरी तैयारी कर बैठा था। और इसी गड़बड़ में मेरे भाई राजन को वो गोली मारने वाला था। एक उसको क्यों रोते हो, तुम्हारा अपना साथी ठाकुर शक्ति सिंह तुम्हें बेच गया उस दोगले सरपंच के हाथों। तुम दोनों अपने आप को राजा समझते रहे पर शतरंज के मोहरों के सिवा तुम लोग कुछ न थे। दौलत और ताकत के भूखे कुत्ते तुम्हें लड़ाते रहे। ठाकुर शक्ति सिंह और कल्ला बाउड़ी के पास पड़ाव डाले हुए हैं। तुम ऐसा करो, रूप और जिंदा भाभी को पत्थर वाली सराय पर ले जाओ, हम एक छोटा सा काम करके आते हैं। सुमेर और विक्रम दोनों एक साथ के बात कर रहे चौधरी सुमेर सिंह को बेचने गया था तू? हाँ ठाकुर विक्रम सिंह ने बेचने गया था। वाले मकान के पास कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अरे ये तो सुमेर की औरत जिंदा है, इसे तो मैं कहीं भी पहचान लूं। रूप भाभी वो भी यही है, ये दोनों औरतें यहां क्या कर रही हैं? लगता है कि सुमेर और ठाकुर विक्रम सिंह फिर से एक साथ हो गए हैं। लो, पहले उन्हें उस घर तक जाने दो, जब वो पूरी तरह घिर जाएंगे
तो फिर हम उनको पूरा मौका देंगे कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर सकें। विक्रम सिंह, सुमेर सिंह, तुम दोनों चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो अंदर चलो। तुम्हारे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो राजन है, क्या इरादा है? इरादा बाद में, पहले सोचो रूह पर जिंदा करके करना है। राजन, हमारी औरतें हमारे साथ हैं, पहले इन्हें हिफाजत की जगह पहुंचाया जाए, फिर हम आएंगे। हमें मंजूर है, भेज दो अपनी औरतों को। जिन्ना, तू रूप ने लेके चली जा। नहीं सुमे, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कि पगली हो गई है? पहले तू वचन दे, तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे सी। देख, अब जैसा मौका लाग सी वैसा हम कर लेंगे। तू जा, जाना। नहीं सुमे, नहीं। जिन्ना, अपने होने वाले बच्चे को क्या बोल सी? तेरा बापू जेल में सड़कर मर गया जब फांसी लग गई। अरे पगली, उसे कहना कि तेरा बापू हवा की तरह आजाद था और हवा की तरह चला गया। अरे तू तू मारी जिंदा है, तू हिम्मत रखना। मैं अपने आप को कानून के हवाले करूं ना करूं, हर हाल में तेरा गुनहगार रहूंगा। तूने जी भर के प्यार दिया है मुझे, अब इतना और करना। जब भी याद करना, प्यार से करना, प्यार से। अब तुम जाओ, जाओ। जाओ। क्या इरादा है? इरादा तो तय हो ही चुका है विक्की, एनकाउंटर तो हो गए हैं, पर मन ने डर लगता है कि एनकाउंटर की आड़ में ये साला हनुमंत सिंह अपने राजन को गोली न मार दे। हाँ, और कह देगा राजन एनकाउंटर में मारा गया। राजन को तो ना मरने दें, एक काम करते हैं, चलते हैं वहां, पासा पड़ने में कौन सी देर लगती है।
अगर एक भी गोली चली तो तुम्हारे इस ऑफिसर का भेजा उड़ा दूंगा। होल्ड फायर, कोई गोली नहीं चलाएगा। राजन, ये गोली जो सुमेर के हाथ में लगी है इसमें तुम्हारा नाम लिखा था। मैं जानता हूं दादा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। बात की बात, चले चलना। चल। इस शोर को तो नहीं छोड़ूंगा दादा। ये पुलिस ऑफिसर है, इन्हें छोड़ दो दादा। दादा हमें मजबूर मत करो, इन्हें छोड़ दो दादा। मैं कहता हूं इन्हें छोड़ दो दादा। चल उठ साले उठ। राजन को मारना चाहता था। हाँ, नहीं सुमेर, इसे सुअर की मौत मारेंगे। हाँ, इस कुत्ते ने सुअर की मौत ही मारेंगे विक्के। पर सुअर का शिकार तो खेलना ही पड़ेगा। सुमेर, ये सब कितने होंगे? बड़ी वेल पलटन है साड़ी। याद है जब हम छोटे छोटे थे तो इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे। ये कोई भूलने वाली बात है? उस दिन हम दोनों नंगे थे, चड्डियां भी नहीं पहनी थी। और ओले बदन पर इस तरह गिर रहे थे जैसे ठंडी ठंडी गोलियां। हाँ, आज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रही है। तैयार बैठे हैं अपने लिए सब? हाँ, लेकिन ओले गिरने से पहले इस सुअर का शिकार कर लें। जरूर जरूर, पर सुअर ने भगाना पड़ेगा, नहीं तो खेल का मजा क्यों ना आवे। आज साढ़े भागेगा रेत में, भगा लेंगे। हाँ, और निहत्ता भी नहीं भगाएंगे, बराबर का चांस देंगे। पर एक बात बता दे, पहला बार कौन करेगा? कोठे वाले के पास भी यही सवाल और यहां भी यही सवाल। कभी इस गली कभी उस गली, वो भी खेल था ये भी खेल है। तो खेलें। ले ले भाग। और सुअर की औलाद, और ठाकुर साहब, मुझे बचाइए ठाकुर साहब, मुझे बचाइए ठाकुर साहब। नो, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए ठाकुर साहब, मुझे बचा लीजिए। पोजीशन दादा, रुक जाओ। शौक से